नमस्कार मित्रों, मैं मित्र स्वागत करता हूं आपका से आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, आज का कोई विषय नहीं है, लेकिन उससे भी कई महत्वपूर्ण आज आपके साथ एक बात है। देखिए, जब बांसुरी कोई सीखना चाहते हैं शुरुआत में, तो बहुत ज़ोर शोर से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियाँ हों या उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है या उनके पास समय नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बांसुरी सीखना बंद कर देते हैं, या कई बार आप हिम्मत हार जाते हैं तब भी आप बांसुरी सीखना बंद कर देते हैं कि अब मेरी बस की नहीं है, या कई बार आप ये सोचते हैं कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है या आप अभी बहुत छोटे हैं, इस वजह से भी आप बंद कर लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, चाहे आप 20 साल बाद आएँ, चाहे 50 साल बाद आएँ, लेकिन 60 साल बाद आएँ, कभी भी आएँ आप, लेकिन लास्ट में आपको इसी की शरण में आना पड़ेगा, इसी के पास आना पड़ेगा। लास्ट में आपको, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, संगीत साहित्य कला कुछ भी हो, उसके पास आपको लौटना ही पड़ेगा। और ये इसलिए भी होता है, देखिए शुरुआत में जब हम बिजी रहते हैं इधर उधर जिंदगी के भाग दौड़ में, तो हमको मालूम नहीं चलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता ही आता है कि जब आप मानसिक रूप से अकेले पड़ जाते हैं या भौतिक रूप से अकेले पड़ जाते हैं, चाहे वो संसार में आपके साथ कोई ना हो, अकेले हों, चाहे आप मानसिक रूप से आप अकेले हों, तब आपको किसी एक ऐसे साधक की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे कोई संगी की ज़रूरत पड़ती है जो तब भी आपके साथ रहे, हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। तो सबसे अच्छा मित्र है आपकी बांसुरी, या आप कोई भी कला ले लीजिए, हम उदाहरण बांसुरी का दे रहे हैं कि सबसे अच्छा मित्र है आपका बांसुरी। देखिए, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन अगर आपके पास बांसुरी है, अगर आपकी मित्रता उसके साथ अच्छी है, तो डेफिनेटली वो फिर आपको साथ देगी ही देगी। और देखिए, इसको आप अपने परिवार की तरह मानिए, अपने परिवार की तरह रखिए इसको। कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप बांसुरी सीख रहे हैं, आप बांसुरी का रियाज कर रहे हैं, आप इसको अपना दोस्त मानिए, ठीक है जी। शुरुआत के कुछ टाइम तक आपको अपनी दोस्ती इसके साथ साबित करनी होगी, मतलब आप रियाज कीजिए, अपना टाइम दीजिए बांसुरी को, तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी बहुत अच्छी तरीके से। 1-2 साल लगाइए बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बाद ये आपका साथ निभाएगी और ये आपसे हजारों गुना लाखों गुना वापस करके लौटाएगी आपको। जितना टाइम आपने इसको दिया है, उस टाइम के बदले आपको करोड़ों गुना रिटर्न मिलेगा, ठीक है जी। और इसमें उम्र का कोई पाबंदी नहीं है। अभी हमारी क्लास में कई ऐसे हैं जो कि 40-40 साल बाद छोड़ करके आ रहे हैं बांसुरी सीखने के लिए, कई 50 साल पहले बजाते थे, लेकिन अब बांसुरी सीखने के लिए दोबारा आ रहे हैं। और हर किसी ने आना है जो बांसुरी से प्यार करता है, वो चाहे 20 साल बाद आए, चाहे 50 साल बाद आए। और हम तो ये कहेंगे कि आप चाहे कुछ भी दुनिया में कोई भी काम कीजिए, आप कितने भी व्यस्त हैं, लेकिन इसके लिए समय ज़रूर निकालिए। और यकीन मानिए, जो आप 20 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद लौट करके वापस आएंगे, उससे बढ़िया है लगातार 3 साल लगा लीजिए, तो फिर आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। फिर आप घर में, एक टाइम ऐसा आता है जब आप घर में बैठ करके रोज़ रोज़ अपना रियाज कर सकते हैं, आपको दिन प्रतिदिन आपकी प्रगति होती जाएगी। तो शुरुआत में आपने इसको लगातार रियाज करना है, उसके बाद ही अपने आप आपको रिटर्न दिलाएगी, ठीक है जी। तो ये मान करके आप चलिए। कहने का मतलब है कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जो है कि बांसुरी सीखिए, खूब मेहनत कीजिए, उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। हमारी क्लास में 8 साल से लेकर के 90 साल तक के लोग हैं, तो आप कभी भी सीख सकते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं। तो आप लगातार रियाज करते रहिए, कभी भी हिम्मत मत हारिए, लगातार प्रयत्न करेंगे और ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे तो ज़रूर आप सफल सिद्ध होंगे, ठीक है जी। तो ऐसे ही रियाज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।